जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये सच है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों को रशियन S-400 निशाना नहीं बना पाया था। वैसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया के लता की बंदरगाह पर जब एयर स्ट्राइक किया तो रशियन S-400 ने आखिर उसको क्यों निशाना नहीं बनाया या फिर वो निशाना नहीं लगा पाया, और आखिर रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कोई भी एक्शन इजरायली लड़ाकू विमानों के अगेंस्ट में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जहां पर ये स्ट्राइक की गई वहां से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर खामेमीन इलाके में रशिया का सैन्य बेस मौजूद है, और उसी सैन्य अड्डे पर रूस का सबसे एडवांस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। लेकिन फिर भी केवल 25 किलोमीटर की ही दूरी के बावजूद इसराइल के लड़ाकू जहाजों ने जमकर हवाई हमला किया, लेकिन फिर भी रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस अक्सर ही इजराइल के द्वारा फायर किए गए मिसाइलों को निशाना तो बनाता है, लेकिन रूस कभी भी इजराइल के लड़ाकू विमानों को निशाना नहीं बनाता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस और इजराइल के बीच में एक संधि। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने 2015 के मध्य में जब सीरिया में अपने सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दी थी तब उस समय रूस और इजराइल के बीच में एक समझौता किया गया था, और इस समझौते के तहत इसराइल ने वादा किया था कि सीरिया में किसी भी हवाई हमले के दौरान रूस के किसी भी सैनिक हथियार या फिर रूस के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और इसके बदले में रूस ने भी ये वादा किया था कि इसराइल के लड़ाकू विमानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस संधि के तहत ये बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि अगर रशिया का कोई भी लड़ाकू विमान या फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया में शामिल होता है, सीरिया की सेना में शामिल होता है, तो उसका कोई भी इस समझौते से लेना देना नहीं होगा। अब दोस्तों भले ही रूस ने समझौते की वजह से इसराइल के लड़ाकू विमानों को निशाना नहीं बनाया हो, लेकिन ऐसे में आखिर सीरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो ऐसे में रूसी अधिकारियों ने ये जवाब दिया है कि जब इसराइल के फाइटर जेट हवाई हमले को अंजाम दे रहे थे ठीक उसी समय रूस का सैन्य परिवहन जहाज भी उसी समय सैन्य बेस पर उतरने की तैयारी कर रहा था, और ऐसे में कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के सैन्य परिवहन जहाज को निशाना ना बना ले, इस वजह से सैन्य बलों ने किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कोई जवाब ही कार्रवाई नहीं की थी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 2018 के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ था जब रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपने खुद के रूस के टोही विमान को अपने ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निशाना बना लिया था, और यही वजह थी कि 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होते हुए भी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या रशिया ने इसी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।